प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा पूरी हुई और अब यहां केदारनाथ में बाबा केदारनाथ के शीतकालीन कपाट बंद करने की तैयारियां चल रही हैं। बाबा की समाधि पूजा के लिए डोली को सजा धजा कर मंदिर प्रांगण में लाया जा रहा है और यहां इनका अभिषेक किया जाएगा, पूजा होगी और ये पंचमुखी बाबा केदारनाथ की प्रतिमा इसमें स्थापित है जो उत्सव मूर्ति भोग मूर्ति कहा जाता है और अगले 6 महीनों तक इनकी सेवा भूखी मठ में होगी। तो ये दिखाई पड़ रहे हैं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं सारे लोग। इसमें मुख्य अर्चक भी दिखाई पड़ रहे हैं बागेश लिंग जी और पीछे डोली दिखाई पड़ रही है और इस डोली को अभी यहाँ मंदिर में स्थापित किया जाएगा और इसके बाद पूजा की एक वैदिक पूजा की एक पारंपरिक पूजा की प्रक्रिया शुरू होगी जो सारी रात चलेगी, जिसे 4 प्रहर की पूजा कहते हैं। और फिर ये पंचमुखी केदारनाथ दिखाई पड़ रहे हैं और इसी डोली को यहाँ से पूजन के बाद जब बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होंगे उनकी समाधि पूजा शुरू हो जाएगी और समाधि पूजा के बाद इसी डोली को मुखीमठ ले जाया जाएगा जहाँ बाबा की शीतकालीन गति होती है। संजय शर्मा, केदारनाथ आज तक।